हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनसेंट एंजल ब्लॉग। आज का मेरा ब्लॉग है अपना हेयर केयर और स्किन केयर के ऊपर, क्योंकि मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं आप अपना हेयर केयर और अपना स्किन केयर विंटर पे कैसे करते हैं, तो उसका वीडियो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और आप लोगों को पता भी होगा विंटर सीजन में बहुत से शादी के फंक्शंस होते हैं और भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, जैसे कि हम लोग पिकनिक भी मनाते हैं, तो हम लोग बहुत जल्दी टाइड हो जाते हैं, स्किन टैन हो जाता है, हमारा हेयर बहुत ही रफ हो जाता है। और विंटर का तो सीज़न ही ऐसा है, स्किन को ड्राई कर देता है और हेयर को भी बहुत ही ड्राई कर देता है। तो हम लोग कैसे हाफ एन आवर जस्ट अपने लिए निकाल के हम लोग किस तरह से अपना हेयर को मसाज करेंगे, ऑयलिंग करेंगे, और किस तरह से हम अपना फेस को ब्राइट एंड शाइनी एंड अच्छा रखने के लिए, उसका वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर की हूँ। तो चलिए देखिए मैं किस तरह से अपने जो बहुत ही इजी सामान जो अपने घर में मैक्सिमम लोगों के होते हैं उसी से मैं बनाई हूँ। तो चलिए अभी देखते हैं। अभी मैं हाफ स्पून एलोवेरा जेल ले रही हूँ। अगर आप चाहें तो जो एलोवेरा का पेड़ का उसका जेल होता है आप वो भी ले सकते हैं, बट मैं रेडीमेड वाला एलोवेरा जेल ली हूँ। उस पर मैं अभी 1/4 लेमन का जूस लूँगी। देखिए मैं एक नींबू को 4 पीस कर दी, उसका हाफ मैं उसका जूस डाल दी हूँ मिक्सर पे। अभी मैं उस पर एक विटामिन ई का कैप्सूल डालूँगी, मैं एक ही ली हूँ। अब मैं ऑलिव ऑयल डालूँगी, आप अपने हेयर के ग्रोथ के अकॉर्डिंग लीजिएगा। मेरा जितना हेयर है मैं उस पर 1.5 चम्मच ऑलिव ऑयल डाल रही हूँ और उसे अच्छी तरह से मैं मिला लूँगी। लेमन हमारे हेयर के लिए बहुत ही अच्छा है विंटर सीजन के लिए, क्योंकि विंटर सीजन में हमारा डैंड्रफ होता है तो उसके लिए बहुत ही अच्छा है। तो उसका एक अच्छा सा मिक्सचर बना लेंगे। अभी देखिए मेरा मिक्सचर बन गया है। अभी चलिए उसे अप्लाई करते हैं हमारे हेयर पे। पहले आप अपने हेयर को अच्छी तरह से टैंगल फ्री कर लीजिएगा, क्योंकि जो मिक्सचर होता है अप्लाई करने में हमें बहुत इजी होता है, तो उसी तरह से आप भी करिएगा। फिर मैं अपने हेयर को 2 पार्ट पे डिवाइड कर लूँगी, क्योंकि मुझे पीछे तरफ भी अच्छी तरह से पेस्ट को अप्लाई करना है जो लिक्विड है, तो मैं उसी का पार्टीशन कर ले रही हूँ। उसी के लिए पीछे तरह से अच्छी तरह से अप्लाई हो पाएगा और हमें मैक्सिमम रूट पे ही अप्लाई करना है, क्योंकि रूट पे अप्लाई करने से ही हमारा हेयर का ग्रोथ बहुत अच्छा होता है। देखिए मैं मिक्सचर को अपने हाथ पे ले ली हूँ और पीछे से लगाना मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपने फिंगर की मदद से। आप मैक्सिमम अपने रूट पे ही अप्लाई करिएगा, स्कैल्प आप जितना मसाज करेंगे उतना अच्छा है, क्योंकि इतना हेक्टिक डे भी हो अगर आप अपने हेयर को अच्छी तरह से ऑयल मसाज करते हैं तो आप खुद को बहुत अच्छी तरह से नींद भी आता है, प्लस हमारा हेयर के लिए भी बहुत अच्छा है। देखिए मैं किस तरह से उस दिन बहुत टाइड हो गई थी, तो उसी के लिए मैं अपना हेयर मसाज की, तो मुझे खुद को बहुत ही रिलैक्स फील हुआ। अपने फिंगर की मदद से बहुत अच्छी तरह से आज अप्लाई कर दीजिएगा आप। और मेरा पहला भी हेयर केयर का वीडियो मैं अपलोड की थी तो मैं आई बटन में डाल दे रही हूँ, तो प्लीज़ आप वो भी चेक कर लीजिएगा, क्योंकि मैं वो भी मैं अपने हेयर केयर रूटीन पे अप्लाई करती हूँ, तो उसी के लिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो प्लीज़ आप लोग अच्छी तरह से मेरा सारा वीडियो देखिएगा और अप्लाई भी करिएगा। देखिए मैं किस तरह से अपने हेयर को मसाज कर रही हूँ, अपने
इतना मसाज करेंगे आप, मिनिमम 5 to 7 minutes तक आप अप्लाई करिएगा, मसाज करिएगा और नेक्स्ट मॉर्निंग आप अपना हेयर वॉश कर सकते हैं। आप होल नाइट के लिए छोड़ दीजिए, फिर आप सुबह अपने हेयर वॉश शैम्पू कर लीजिए, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है। देखिए अभी मैं अपने हेयर का मसाज कंप्लीट कर ली हूँ, अभी मैं एक छोटा सा बन बना लूँगी, फिर आपके साथ मैं अपना स्किन केयर रूटीन शेयर करूँगी। तो आप देखिए मैं इस तरह से अपना हेयर को टाई कर ली, अभी मैं अपना स्किन केयर करूँगी। पहले मैं थोड़ा सा रोज़ वाटर से अपने फेस को अच्छी तरह से पोछ ले रही हूँ, क्योंकि जितना डस्ट हो वो सब निकल जाएगा, तो उसी के लिए मैं रोज़ वाटर ली हूँ। प्लीज़ आप लोग देखते रहिएगा, सुनते रहिएगा मैं क्या बोल रही हूँ। मैं रोज़ वाटर से अपने फेस को और नेक को अच्छी तरह से क्लीन कर ली हूँ। अच्छी तरह से मैं अपने गुलाब जल से अपने फेस को वॉश कर ली। अभी मैं थोड़ा सा चीनी और एक हाफ टमाटो, एक टमाटर हाफ और थोड़ा सा चीनी ली हूँ, और देखिए चीनी मैं अपने प्लेट पे वो कटोरे पे रखी हुई हूँ, और एकदम हल्के से मैं अपने फेस को टमाटर से रब कर रही हूँ, और ये मेरा स्क्रबिंग पार्ट है, बहुत ही इजी जो घर पे सबके होते हैं उसी चीज़ मैं अप्लाई कर रही हूँ। और आप कुछ नहीं, मिनिमम 7 days तक आपकी स्किन पे इसका ग्लो होगा। अच्छी तरह से मैं स्क्रब कर ली, देखिए चीनी और टमाटो से स्क्रब कर ली हूँ। अभी मैं आँख पे थोड़ा सा मेरा उसका लिक्विड घुस गया था, तो उस वही मैं साफ कर ले रही हूँ। अच्छी तरह से अपने फेस को पोंछ लेंगे, उसके बाद 5 मिनट तक आप 3 to 5 minutes हल्के हाथों से आप स्क्रब करिएगा, फिर अपने हाथों से थोड़ा मैं मसाज कर ले रही हूँ। आप 3 to 5 minutes के अंदर ही करिएगा, हल्के हाथों से करिएगा स्क्रबिंग, आप ज़्यादा प्रेशर लगा के नहीं करना चाहिए। और हमें स्क्रबिंग तो वीकली 2 बार करना ही चाहिए, क्योंकि जो भी डस्ट होते हैं, डेड स्किन जो हमारे होते हैं, वो लेयर को साफ कर लेता है, आपको खुद को एक फ्रेश फील होगा। और अभी मैं थोड़ा सा एलोवेरा जेल ले रही हूँ, मैं रेडीमेड वाला ली हूँ, आप चाहे तो नेचुरल वाला भी ले सकते हैं। और उस पर मैं 3 बूंदा नींबू का ली हूँ, और एक थोड़ा सा, देखिए थोड़ा सा जस्ट मैं हल्दी ली हूँ, क्योंकि अभी विंटर का सीज़न चल रहा है, तो हल्दी अप्लाई करने से हमारा स्किन में एक बहुत अच्छा सा ग्लोनेस आता है। और ये मैं रात के टाइम कर रही हूँ, तो आप ज़रूर रात को ही ट्राई करिएगा, क्योंकि हल्दी लगा के हमें सुबह धूप पे नहीं निकलना चाहिए, तो आप रात को ही अप्लाई करिएगा फॉर बेटर रिजल्ट। तो ये मेरा मसाज जेल बन गया है, देखिए मैं अपने स्किन को अच्छी तरह से मसाज कर रही हूँ, मुझे खुद को बहुत ही फ्रेश फील हुआ था आफ्टर दिस, तो आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। और जब भी आप मसाज करिए, अपर मोशन पे मसाज करिएगा। और मेरा स्किन केयर का वीडियो और भी है, तो मैं आई बटन पे डाल दे रही हूँ मेरा पहला वाला स्किन केयर वीडियो, तो आप लोग ज़रूर वो भी चेक कर लीजिएगा। मेरा कोरियन फेशियल वाला वीडियो, वो भी होममेड पे ही मैं बनाई हूँ इंग्रेडिएंट्स से, तो आप लोग प्लीज़ मेरा कोरियन फेशियल वाला मैं आई लिंक पे दे रही हूँ, आप लोग वो चेक करिएगा। कोरियन लोगों का स्किन जिस टाइप से ग्लोइंग होता है, आफ्टर दैट आपको वही मिलेगा, तो आप लोग ज़रूर वो भी ट्राई करिएगा। देखिए मैं अपना जेल अच्छी तरह से मसाज कर ली, फिर मैं अपने स्किन को एक वेट टॉवल पे पोंछ ले रही हूँ। आप देख सकते हैं रिजल्ट कैसा मेरा स्किन था, किस तरह से हुआ है, टाइट फ्री टाइटनेस के साथ आप पूरा रिलैक्स हो जाएंगे। अभी मैं थोड़ा सा गुनगुना पानी ली हूँ, जस्ट थोड़ा सा गुनगुना पानी, उस पर मैं एक ग्रीन टी का बैग उस पर डाल दी हूँ, और उसका थोड़ा सा मैं
मतलब क्या बोलते हैं, अपनी स्किन को अच्छा रिजल्ट लाने के लिए मैं थोड़ा स्टीम लूँगी। अपने फेस पे देखिए, मैं वो पानी से अपने थोड़ा सा फेस को स्टीम ले रही हूँ, क्योंकि जो पोर्स हमारे रहते हैं वो खुल गए होते हैं, तो उसी के लिए मैं स्टीम ली हूँ 3 मिनट्स के लिए। अभी मैं पैक बना रही हूँ फाइनल रिजल्ट। थोड़ा सा कॉफ़ी ली हूँ और थोड़ा सा एक पिंच हल्दी ली हूँ, थोड़ा सा हनी। मैं डिस्क्रिप्शन पे डिटेल दे दूंगी, तो आप लोग ज़रूर चेक करिएगा मेरा डिस्क्रिप्शन। और उस पर मैं रोज़ वाटर दी हूँ 5 ड्रॉप्स समथिंग, उसका एक अच्छा सा पेस्ट बना ली हूँ और अपने फेस पे पैक के अकॉर्डिंग अप्लाई कर लूँगी। देखिए मैं अप्लाई कर रही हूँ अपने फेस पे, ये पैक है मेरा फाइनल वाला, इसको मैं 5 मिनट्स तक रखूँगी, उसके बाद ये भी मैं पोंछ लूँगी। कॉफ़ी तो आप लोग को आपको पता ही होगा, कॉफ़ी बहुत अच्छा रहता है स्किन के लिए। और मेरा कॉफ़ी फेशियल वाला भी, जो मैं जो फेशियल की हूँ उसका भी आई बटन पे मैं लिंक डाल दे रही हूँ, तो मेरा कॉफ़ी फेशियल वाला भी आप ज़रूर देखिएगा, चेक करिएगा। आप ज़रूर ये ट्राई करिएगा, देखिएगा आप रात को बहुत अच्छी तरह से रिलैक्स होकर सो पाएंगे टायर्ड होने पर भी। देखिए ये मेरा पैक आफ्टर 5 मिनट्स सूख गया था, तो मैं अपने पैक को उसी गीला टॉवल पे पोंछ ले रही हूँ मैं अच्छी तरह से। देखिए हल्के हाथों से आप पोंछिएगा, और ज़्यादा सूख जाए तो आप थोड़ा सा हाथ गीला करके मसाज करके उसे निकालिएगा। देखिए मेरा फेस अच्छी तरह से मैं धो ली, उसके बाद मैं एक सूखा टॉवल पे अपने स्किन को अच्छी तरह से पोंछ ली। मुझे खुद को बहुत एक्सप्रेशन से आप देख पा रहे होंगे, मैं कितना मेरे एक्सप्रेशन से तो जान पा रहे होंगे। अभी मैं थोड़ा सा रोज़ वाटर ली, जस्ट मॉइस्चराइज़र के बदले मैं रोज़ वाटर थोड़ा सा अपने फेस पे टोनर के अकॉर्डिंग लगा ली हूँ, तो आप लोग ज़रूर ये ट्राई करिएगा अपने हेल्दी एंड ग्लोइंग स्किन और हेयर के लिए। आई बटन पे सारे वीडियोस के लिंक होंगे, तो आप लोग प्लीज उसे भी चेक कर लीजिएगा। देखिए रिजल्ट आपके सामने है, एक छोटा सा बिंदी लगा ली मैं, कंप्लीट। तो कैसा लगा आपको मेरा आज का वीडियो, मेरा स्किन केयर और हेयर केयर के बारे में? आप लोग जरूर कमेंट करिएगा और एक बार तो जरूर ट्राई करिएगा, देखिएगा वंस वीकली एक बार आप लोग जरूर करिएगा। और मुझे वीडियो मेरा अच्छा लगे तो लाइक भी करिएगा, जो जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, आगे शेयर भी करिएगा। और एक बात है आप लोगों को मैं बोलना चाहती हूँ, आप लोग प्लीज़ मेरा डिस्क्रिप्शन में मेरा डिटेल्स है, आप लोग मैं एक वीडियो बनाना चाहती हूँ क्वेश्चन आंसर के बारे में, तो प्लीज़ आप लोग अपना क्वेश्चन, आपके मन में जो भी क्वेश्चन है अबाउट माय लाइफस्टाइल, कि मैं अपना स्किन केयर हेयर केयर अपने बच्चों को किस तरह से संभालती हूँ, मेरे क्लॉथ के बारे में, मैं कहाँ से साड़ी लेती हूँ सूट्स लेती हूँ, क्योंकि बहुत लोग मुझे क्वेश्चन करते हैं, तो मैं चाहती हूँ आप लोग प्लीज़ मुझे डिस्क्रिप्शन पर जाके चेक करिएगा, वहाँ पे मेरा डिटेल्स है, तो मुझे DM करिएगा आपका क्वेश्चन जो भी हो, तो जल्दी से जल्दी आप लोग मुझे DM करिए, आपका क्वेश्चन कुछ भी हो मैं उसका वीडियो बहुत जल्दी ही लेके आऊँगी। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।